नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दिनभर। मैं हूं शेख जूही। रुक करते हैं दिनभर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश से मौसम सुहाना बना हुआ है, वहीं कई इलाकों में लोग बाढ़ से परेशान हैं। इस बीच जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक जयपुर, धौलपुर, करौली, दौसा, बारा और कोटा में बारिश का येलो अलर्ट है। इन जिलों में कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। राजस्थान कैडर के चर्चित आईपीएस पंकज चौधरी का एक पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये पत्र उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेकर लिखा है। पत्र में पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर कई तरह के संगीन आरोप लगाए गए हैं। पिछले 10 साल में अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री के रूप में दो पूर्व कार्यकाल में उनके द्वारा लिए गए फैसलों को लेकर आरोप लगाए गए हैं। चुनाव आयोग ने राज्यसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। इस बार 12 सीटों के लिए जल्द ही 9 राज्यों में चुनाव होंगे, जिसमें राजस्थान भी शामिल है। राजस्थान में एक सीट पर चुनाव होगा। ऐसे में मंगलवार को राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा बोले कि इस उपचुनाव में कांग्रेस अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। भारतीय जनता पार्टी के पास इस चुनाव को जीतने के लिए पर्याप्त बहुमत है, इसलिए कांग्रेस अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। मंगलवार को करोड़ीलाल मीना जयपुर में भाजपा सदस्यता अभियान में पहुंचे थे, जिसके बाद मीडिया से बात करते हुए करोड़ीलाल मीना बोले कि मैं पार्टी और मुख्यमंत्री या फिर किसी व्यक्ति से नाराज नहीं हूं। पिछले 45 साल से मैं जनता के बीच रहकर संघर्ष कर रहा हूं, लेकिन मैं उस संघर्ष को वोटों में बदलकर पार्टी में नहीं डलवा पाया। मैं खुद से नाराज हूं। राजस्थान के अजमेर में हुए सेक्स स्कैंडल और ब्लैकमेल कांड पर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। 1952 में 100 से ज्यादा कॉलेज गर्ल्स के साथ गैंगरेप और उनकी आपत्तिजनक तस्वीरें सर्कुलेट की गई थी। इस मामले में कुल 18 आरोपी थे, जिनमें से 9 को सजा हो चुकी है। अजमेर के विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट संख्या 2 ने अब बाकी बचे 6 आरोपियों को भी दोषी करार दिया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। राजस्थान के भरतपुर में नदबई से पूर्व विधायक जोगिंदर सिंह अवाना और उनके साथी नीरज लोहिया के खिलाफ एक विधवा महिला की जमीन हड़पने और धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज हुआ है। ये शिकायत गांव खोरा के राहुल वीर गुर्जर ने उज्जैन थाने में दर्ज करवाई है। आबकारी मामले से जुड़े सीबीआई मामले में अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। राउस एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई मामले में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 27 अगस्त तक बढ़ा दी है। बता दूं, सीबीआई ने 26 जून को अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया। दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में बीआरएस नेता के कविता की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई। मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी। जस्टिस बीआर गवाई और जस्टिस केवी की पीठ में सुनवाई होनी है। बता दूं, पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और सीबीआई को नोटिस जारी किया था। लेटरल एंट्री मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा कदम उठाया है। अब पीएम के निर्देश पर भर्ती का विज्ञापन रद्द करने को कहा गया है। इस मामले का विपक्ष के साथ ही सरकार के सहयोगियों ने भी लेटरल एंट्री में आरक्षण न देने का विरोध किया था। कोलकाता हाई कोर्ट ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल इकाई को आरजी कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में एक महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या की घटना के खिलाफ 21 अगस्त से 5 दिन का श्याम बाजार मेट्रो स्टेशन के समीप धरना प्रदर्शन करने की अनुमति दी। खबर दिनभर में आज इतना ही। दिनभर की तमाम खबरों के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे। शुक्रिया।